بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله صدق الله العظيم. أحسنت يا حبيبي إبراهيم. محترم أخواني حبيب محمد بن عبد الله رفيع صاحب حافظ الله سي التماس هيك عاتيا منقبة بيش فرمان हाय साहब हैं क्या? माफी चाहता हूँ सर, नहीं आपका चेहरा देखने में वो म्यूट नहीं खोल सका। अरे ताकि थोड़ा मुख जी आपकी आवाज नहीं है अपने जी अदर जी आप कुछ बोल रहे थे जी जी ये आज थोड़ा अपने पीर के हरेक दयारे गैर में आप भी अपने पीर के तस्वुर में कलाम जो है वो मैं थोड़ा आज थोड़ा अलग पेश कर रहा हूँ। आप जो पेश करना चाहें कबूल है। नक्श बन बन के निगाहों में समाने वाले याद आते हैं बहुत को निभाने वाले क्या है तेरी आमद का यकीन है मुझको कौन कहता है नहीं आते हैं जाने वाले। लाज उल्फत के लिए रस्म तगाफुल ही सही कहीं रुसवा न करे हमको जमाने वाले। तुमको निस्बत का भरम रखना पड़ेगा एक दिन आज जाओ मेरी तकदीर बनाने वाले। ऐसी पिलवा दे के हर लम्हा मुझे होश रहे यूं तो आए हूं बहुत होश उड़ाने वाले। मख्ता पेशे खिदमत है जी। पाई है साहिब ने तेरी आंखों से हाँ। मेरे पीर हैं आंखों से पिलाने वाले। जिंदगी पाई है साहिब ने तेरी आंखों से ये मेरे पीर हैं आंखों से पिलाने वाले। बन बन के निगाहों माने वाले याद आते हैं बहुत हमको निभाने वाले। السلام عليكم حبيب. وعليكم السلام ورحمة الله. ها.
जी हबीब नाते मुबारक पर चंद अशआर। जी जरूर, जी जरूर। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. मैं चुप खड़ा दरबारे मैं चुप खड़ा दरबारे मुस्तफा मैं चुप खड़ा हुआ हूँ दरबारे मुस्तफा आँखों से बोलता हूँ दरबारे मुस्तफा आँखों से बोलता हूँ दरबारे मुस्तफा और मैं सोच रहा था सदियां गुजर चुकी हैं महसूस हो रहा था सदियां गुजर चुकी है कुछ देर ही खड़ा हूँ दरबारे मुस्तफा में कुछ देर ही खड़ा हूँ दरबारे क्या आप भी मेरे रब का मुझ पर करम न मुझ पर करम न होगा अब तो मैं आ गया हूँ दरबारे मुस्तफा में अब तो मैं आ गया हूँ दरबारे मुस्तफा और मैं सोच रहा था सदियां गुजर चुकी कुछ देर ही खड़ा हूँ दरबारे मुस्तफा में हबीब मिलाद की शब जब गुंबदे खजरा के सामने हम बैठे थे जी। तो हम जैसे गुनहगारों ने वो मंजर आंखों से देखा अब अल्लाह के नेक बंदे आप जैसी आंखें जब गुंबदे खजरा को उस वक्त देखती होंगी तो क्या क्या नजर आता होगा हम जैसे गुनहगारों को जब ये नजर आ रहा है आंखों देखी बात शायर कहता है
अल्लाह मेरी क़िस्मत पर सात रहमतों अल्लाह मेरी किस्मत बरसात रहमतों की आंखों से देखता हूँ दरबारे आंखों से देखता हूँ दरबारे मुस्तफा में मैं चुप खड़ा हुआ हूँ दरबारे मुस्तफा में आंखों से बोलता हूँ दरबारे मुस्तफा जज़ाकुम अल्लाह खैर कथीरा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सलातु व सलामु अला سيد الأنبياء وشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز ومكرم سادات جرام قدر جميع حاضرين سامعين وناظرين كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وعليكم السلام साजिद रजन साहब अगर आप म्यूट कर लें तो आपका सलाम हम तक पहुंच जाएगा वैसे ही जरूर इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता दर्स में नमाज की कैफियत के एतबार से बात की गई कि कौन सी चीज़ें हैं कि जो नमाज को सही रखती हैं और कौन सी चीज़ें नमाज को ज़रर पहुंचाती हैं नुकसान पहुंचाती हैं और किस कदर नमाज के अंदर अहवाल बातिन का the innermost reflections are necessary into the acts of worship for performance of prayers. We have been discussing this since a couple of days. Abhi aage dars ke agle hisse ki jaane padte hain. Sayyidina Imam al-Haddad irshad farmate hain wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa asrarihi wa idha raka'at wa idha raka'ta wa sajadta fatma'in فلا تنقر الصلاة نقر الديك فلا تصح صلاتك وذلك لأن الطمأنينة في الركوع والاعتدال منه وفي السجدتين وفي الجلوس بينهما واجبة لا بد منها في الفرض والنفل تبطل الصلاة بتركها والذي لا يتم ركوعه وسجوده وخشوعه في ذلك وخشوعه في صلاته وهو الذي يسرق الصلاة كما ورد به الحديث وورد أن من حافظ على الصلاة وأتمها تخرج صلاته بيضاء مصفرة تقول حفظك الله كما حفظتني والذي لا يتم الصلاة تخرج صلاته سوداء مظلمة تقول ضيعك الله كما ضيعتني ثم تلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجهه وفي الحديث إنما الصلاة تمسكن وتقضع وتخشع
ولما رأى عليه الصلاة والسلام الرجل الذي يعبث بلحيته في صلاته قال عليه الصلاة والسلام لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اب یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے بعض احادیث کو کوٹ کرتے ہوئے اس کا آغاز اس سے پہلے فرماتے ہیں کہ نماز کس انداز سے پڑھی جائے. اس کا ایک ہلکا سا ذکر ہم نے پہلی گفتگو میں بھی کیا تھا نماز کے حوالے سے کہ رکوع اور سجدہ اس طریقے کے ساتھ کرو کہ تم اس کو صحیح سے ٹھیک سے ادا کر سکو, اس کے اندر ٹھیک سے اطمینان رہے. یعنی کہ ابھی ایسا رکوع میں جاتے ہی ہیں کہ واپس رکوع سے سر اٹھا لیتے ہیں, سجدے میں جاتے ہی ہیں کہ سجدے سے سر اٹھا لیتے ہیں. تو یہاں پہ وہی جملہ امام الحداد بھی ارشاد فرماتے ہیں جس کی طرف ہم نے اپنی پچھلے مرتبہ ہم نے اس بات کو ذکر کیا تھا کہ رکوع اور سجدہ اس انداز سے نہ کرو کہ جیسے کہ مرغی چونچ مارتی ہے اپنے دانے کی طرف, یا جس طرح مرغی اپنی سر کو ہلاتی رہتی ہے اس طریقے کے ساتھ تم رکوع اور سجدے نہ کرو کہ بس جھک رہے ہو, پتہ نہیں چل رہا ہے کہ جھک رہے ہو لیکن حاصل کچھ نہیں ہو رہا, تیزی کے ساتھ میں اپنے سر کو اور جسم کو ہلاتے جاتے ہو لیکن حاصل کچھ نہیں ہوتا. فلا تصح صلاتک, اس سے کیا ہوتا ہے کہ نماز صحیح نہیں ہوتی. ایسی نماز جو پڑھتا ہے اس کی نمازیں صحیح نہیں ہوتی کہ جس کے رکوع اور سجدے کے اندر اطمینان نہ ہو. اطمینان سے مطلب آدھا ایک گھنٹہ بھی نہیں ہوتا, بلکہ اطمینان سے مطلب یہ ہے کہ جس میں صحیح سے تسبیحات ادا ہو جائیں. ورنہ یہ بھی چیزیں سوشل میڈیا پہ بہت ساری وائرل ہو چکی ہیں پہلے بھی کہ کچھ احباب وتر وغیرہ تراویح وغیرہ کی نمازیں اس انداز سے پڑھتے ہیں کہ گویا کہ تیزی کے ساتھ خالی بس سجدے جھکتے ہیں اور سر جھکتے اٹھتے ہیں رکوع میں, لیکن حقیقت میں اس نماز کے اندر کوئی بھی چیز اطمینان کے ساتھ ادا ہی نہیں ہوتی. تو ایسی نمازوں کو پڑھنے سے کہ جس کے اندر where you don't have any composure within yourself whilst prostrating and bowing down to Allah subhanahu wa ta'ala, then it is as if the chicken pecks towards the earth. It is actually in similarity and imitating with the chicken. وذلك لأن الطمأنينة في الركوع والاعتدال منه وفي السجدتين وفي الجلوس بينهما واجبة لا بد منها. So یہاں پہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے کہ اطمینان کے اندر سجدہ اور رکوع کے اندر اطمینان, اور جب کھڑے ہوں بعد میں تو جب کھڑے ہوتے ہیں قرأت کے لیے تو اس کے اندر بھی اطمینان, دو سجدوں کے درمیان جب آپ بیٹھتے ہیں اس کے اندر بھی اطمینان ہونا چاہیے, اور جب آپ قاعدے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو تحیات کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی اطمینان ہونا چاہیے. اور یہ بہت زیادہ اہم ہے اور اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو اس کی نمازیں صحیح نہیں ہوں گی, کیونکہ یہ بات یہ اس کے اندر اطمینان جو ہوتا ہے نمازوں کے اندر, ہر نماز کا ہر رکن ادا کرتے وقت, ایوری پارٹ آف دا پریئر وچ یو پرفارم, اف یو آر ناٹ بینگ سبجیکٹڈ ٹو کمپوزر دین اٹ نلیفائز اور انویلیڈیٹس یور پریئر. کیونکہ چاہے وہ واجب نماز ہو یا سنت نماز ہو یا پھر کوئی نفل نماز ہو, آپ کو ہر نماز کے اندر اس قدر اطمینان کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ جس میں آپ تسبیحات برابر سے پڑھ سکیں اور جو کچھ بھی قرأت ہوتی ہے وہ صحیح سے پڑھ سکیں. اگر وہ نہیں پڑھ سک رہے اور اطمینان کی بجائے بھاگ رہے ہیں, بس تیزی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھ تو رہا ہوں پورا اور میرے اعتبار سے وہ
सही से अदा हो रहा है तो फिर ये हकीकत में सही नहीं है, बल्कि थोड़ा सा इत्मीनान रखना, इत्मीनान को कायम रखना और जो कुछ आप उसमें भी तेजी की बजाय थोड़ा तो काफी हो। जो शख्स सजदे करता है और रुकू करता है उसके अंदर तेजी के साथ करता है तो ना ही उसकी कोई नमाज अदा होती है, ना ही उसके अंदर सही से आजजी पाई जाती है, बल्कि अभी उल्टा वो शख्स नमाज के अंदर चोरी करने वाला शुमार किया जाता है, जैसा कि हदीसे मुबारका में वारिद हुआ है कि ऐसा शख्स जो नमाज के अंदर बहुत ज्यादा तेजी के साथ में अदा करता है तो तेजी के साथ अदा करने की उसके अंदर क्या होता है कि अभी इत्मीनान ठहराव नाजिस क्या होंगे, अल्लाह ताला का ख्याल का क्या आएगा और अल्लाह ताला की तरफ तो वजह क्या होंगे, तो जब ये सब चीजें कि वो नमाज का चोर है साथ नमाज पढ़ता है के अंदर कोई इत्मीनान नहीं है तो वो नमाज का चोर कहलाता है। जो शख्स अब ख्याल रखता है और बहुत ज्यादा अपनी नमाज की हिफाजत करता है, the one who protects his prayer from all kinds of disturbance, तो वो ऐसा शख्स जिसने अपने नमाज की सही अंदाज के साथ में हिफाजत की और इत्मीनान रखा नमाज में और हर चीज को इत्मीनान के साथ में अदा किया, तो वो ऐसा शख्स है कि जिसने अपनी नमाज को सही से अदा किया और ऐसे शख्स की नमाज इस अंदाज के साथ में बाहर आएगी, इस उसकी नमाज ख़त्म होने के बाद इस अंदाज के साथ में बाहर आएगी, यानी कि आसमानों की तरफ उठाई जाएगी कि वो एक सफ़ेद चमकदार नूर की शक्ल में होगी और जब वो उस चमकदार सफ़ेद नमाज को देखा जाएगा तो उससे आवाज़ आ रही होगी वो नमाज की। हरचंद के ज़रूरी नहीं है कि नमाजी उस आवाज़ को सुने, लेकिन वो नमाज चमकदार बन के जब सफ़ेद रंग की बन के निकलती है तो वो ये कहती है ये जुमला नमाजी के लिए कि हफ़्ज़कल्लाह कमा हफ़्ज़तनी, अल्लाह तेरी हिफाजत करे, मे अल्लाह प्रोटेक्ट यू और मे अल्लाह प्रिजर्व यू एज यू हैव प्रिजर्व्ड मी, अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करे कि जैसा कि तुमने मेरी हिफाजत की या जिस तरह तुमने मुझे इत्मीनान के साथ अदा किया। लेकिन जब कोई बंदा उसको सही से अदा नहीं करता और बहुत तेज जल्दबाज हो जाता है या कोई कुछ चीजें छोड़ देता है या ऐसी तेजी से अदा करता है कि हकीकत में उसका उसका सही से प्रोनंसिएशन अदा नहीं हो रहा या जो भी है, तो ऐसे अंदाज से पढ़ने वाले की नमाज इस हाल में बाहर आती है कि वो काली और बहुत ज्यादा सियाह हो जाती है, अंधेरा अंधेरी होती है, सियाह हो जाती है, इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक एंड डार्क कम्प्लेक्शन, बहुत ज्यादा अंधेरी अंधेरे में होती है और ऐसी नमाज जब ऐसे नमाजी से निकलती है आसमानों की तरफ तो वो ये हो कमाता मुझे जाया किया और मैं अल्लाह निगलेक्ट यू एज यू हैव निगलेक्टेड मी, कि जैसा कि तुमने इस नमाज को मुझे तुमने तुमने मेरे साथ गफलत की और मुझे जाया कर दिया, उसी तरह अल्लाह ताला भी तुम्हें निगलेक्ट कर दे, तुम्हें तुमसे गफलत बरते और तुम्हें भी जाया कर दे। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर इसके बाद क्या होता है कि ऐसी नमाज ऐसी सियाह नमाज क्या क्या होता है कि उसका मामला कि उस वो तहे कर दी जाती है, जैसा कि एक एक खराब कपड़े एक तह में डालकर फेंक दिए जाते हैं, उस तरह ऐसी सियाह नमाज को तह में डालकर इंसान के वो नमाज पढ़ने वाले के मुंह पे मार दिया जाता है और उसको आसमानों में उठाया नहीं जाता बल्कि
वहीं पे उसको रैप करके या फोल्ड करके उसके मुंह पे फेंक दिया जाता है कि इसकी ऐसी नमाज की कोई जरूरत ही नहीं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज जो है तमसकिनुन व तखद्दुउन व तखशुउन के नमाज जो है हकीकत में मिस्कीन मिस्कीन हालत मिस्कीनी का नाम है। इट इज द नेम ऑफ पॉवर्टी। और क्या तकद्दु सबमिशन का नाम है, अपने आप को हवाले करने का नाम है अल्लाह ताला के। और व तखशु और आजिजी और खशियत का नाम है कि अल्लाह ताला के हुजूर नमाज उस चीज को कहते हैं कि जिसके अंदर बंदा अपने आप को गरीब फकीर और भिखारी समझे, अल्लाह ताला की बारगाह का फकीर समझे और वो मिस्कीन होना उसको महफूज हो। हर चंद के जरूरी नहीं है कि वो सही में भिखारी हो या सही में गरीब हो, वो मुमकिन है कि अरबोंपति हो, वो मुमकिन है कि वो बहुत बड़ा मिलियनर और बिलियनर हो, लेकिन अल्लाह की बारगाह में जब खड़ा हो तो उसके नमाज के अंदर वो गरीबी वो फकीरी आए कि वो अल्लाह ताला के हुजूर खड़ा है कि जिसके सामने दुनिया की अमीरी दुनिया का पैसा कोई चीज नहीं। और इसी तरह अपने आप को अल्लाह ताला के हवाले करे और अल्लाह ताला के सामने आजिज हो जाए तो ये नमाज नमाज कहलाती है, वरना सिवाय जाए होने के कोई और चीज नहीं। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या देखा कि एक शख्स नमाज पढ़ रहा है और नमाज पढ़ने के दौरान अपनी दाढ़ी के साथ खेल रहा है, जैसा कि आजकल भी बहुत देखा जाता है कि लोग नमाजों के अंदर अपनी दाढ़ी के साथ में खेलते हैं या दाढ़ी में उंगलियां करते हैं, या ख्वातीन हों तो अपने कपड़ों की तरफ और अपने सारी दूसरी चीज़ों की तरफ वो तवज्जो होती हैं, लेकिन नमाज की तरफ तवज्जो बहुत कम ही होती है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि वो नमाज के दौरान अपनी दाढ़ी के साथ खेल रहा था। तो क्या हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये शख्स सही से खाशिउल क़ल्ब होता, यानी कि इसका इसके क़ल्ब में आजिज़ी और इनकसारी होती, अल्लाह ताला का थोड़ा बराबर भी थोड़ा खौफ होता, तो उसके सारे आज़ा भी उसके सारे बॉडी पार्ट्स भी उसको रिफ्लेक्ट करते कि उसके सारे बॉडी पार्ट्स उसके जिस्म के दूसरे आज़ा भी आजिज हो जाते, हम्बल हो जाते। इफ दिस पर्सन हैड सिंसियरिटी एंड हम्बलनेस इन हिज हार्ट और हिज हार्ट वुड हैव बीन हम्बल देन हिज लिम्स वुड हैव आल्सो बीन हम्बल टुवर्ड्स अल्लाह, के उसके आज़ा ये सब आम हरकतें नहीं करते थे, गैर जरूरी हरकतें जिस्म करना बंद कर देता और वो पूरा का पूरा अल्लाह ताला की बारगाह में मुतवज्जे होता और अपने आप को अल्लाह ताला की बारगाह में आजिज कर चुका होता। तो जिसके पास में दूसरे खेल कूद के लिए वक्त हो, नमाज की हालत के अंदर उसके आधा इधर उधर हो जाए, तो फिर समझ जाइए कि उसकी नमाज नमाज नहीं है, बल्कि वो अपनी नमाज के अंदर सही से खाशिया नहीं है, सही से खशियत का ख्याल नहीं रखता, सही से वो हम्बल नहीं हुआ। فبين ان خشوع الجوارح من خشوع القلب وانه لا كمال للصلاه بدون ذلك وقد قال السلف رضوان الله عليهم من عرف من على يمينه وشماله وهو في صلاه وهو في الصلاه فليس بخاشع فرماتے ہیں کہ ہمارے آباء اجداد अच्छा उससे पहले ये जिक्र करते हैं कि जो जो आपकी आपके जिस्म का और आपके आज़ाए जिस्म का एक इत्मीनान की जगह पर जिसको जिस जगह रहना चाहिए, यानी कि हाथ अगर खड़े हैं तो बांधे हुए होना चाहिए, रुकू में होंगे तो घुटनों पर होना चाहिए, सजदे में होंगे तो ज़मीन पर टिके होने चाहिए, आप उसके साथ खेलेंगे नहीं या उसको दूसरी जगह, इसी तरह दूसरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैं, आप दूसरे लिम्स हैं आपके, वो दूसरी तरफ मुतवज्जे नहीं रहेंगे, दूसरे कामों में नहीं रहेंगे, तो वो जिस चीज़ में हैं अगर उस चीज़ में लगे रहें और वो जिस तरह से
उसको उसकी प्लेसमेंट होनी है, जिस तरह उसको खड़ा रहना चाहिए, अगर वो वैसे ही हैं तो क्या होता है कि वो निशानी है कि एक बंदे के दिल के अंदर कितनी आजिज़ी है अल्लाह ताला को लेकर, कितना वो अल्लाह ताला की तरफ इन्हमाक में है, हाउ मच ही इज इन्वॉल्व्ड इनटू हिज प्रेयर्स, हाउ मच ही हिज हार्ट इज हम्बल when we can see the stillness of the body of a worshipper when he worships, the body is still, he doesn't move unnecessarily, and he is complete into the involvement with the prayer, then you can say that his heart is the heart of a humble person, or heart that has humility. Aur koi namaz baghair खुशू के खत्म नहीं की जा सकती, ना कबूल की जाती है। हमारे असलाफ में, यानी कि जब कभी हमारे असलाफ कहकर सईद इमाम हद्दा जिक्र करते हैं, वो सादात बालविया की तरफ इशारा होता है। तो हमारे असलाफ आमतौर पर बालवी सादात ही मुराद होते हैं। तो कहते हैं कि हमारे बालवी सादात हमारे आबा और अजदाद में से अक्सर ये कहा करते थे कि वो शख्स कि जिसने नमाज के नमाज में खड़ा है और उसको ये पता है कि उसके दाईं जानिब कौन खड़ा हुआ है, बाईं जानिब कौन खड़ा हुआ है, तो ऐसे ऐसे शख्स ने ऐसे शख्स की नमाज में खुशू नहीं है। He is not humble in his prayer, the one who is aware of the persons who is standing in the right hand side and the left hand side, कि जिसको इतना पता हो कि कौन उसके दाएं और बाएं जानिब खड़ा है, तो उसकी नमाज में कोई खुशू ही नहीं है। अगर खुशू होता, if he would have been involved into his prayers, then he would have not considered who is standing on his right side or who is standing on his left hand side. He would completely be devoted into his prayer. That was is the meaning of this statement. हमारे बाज असलाफ में ये था कि हमारे असलाफ में से बाज इतने अल्लाह ताला की बारगाह में इतने खुशू खुजू वाले होते, दे वुड हैव बीन सो मच हम्बल एंड सबमिसिव टुवर्ड्स अल्लाह सुभान व तआला ड्यूरिंग देयर प्रेयर्स, कि बाज दफे ऐसा होता कि नमाज के अंदर इस अंदाज से ऐसे स्टिल पोजिशन में खड़े होते कि जब नमाज पढ़ रहे होते तो क्योंकि इतना स्टिल रहते कि उनके जिस्म को हरकत नहीं होती, तो कभी कभी परिंदे आकर उनके जिस्म पर बैठ जाते, कभी वो रुकू में होते तो परिंदे बैठ जाते, कभी किसी के सजदे में बैठ जाते, कभी वो खड़े हुए हैं तो उनके शोल्डर्स पे और गर्दन पे आके बैठ जाते। इस अंदाज के साथ में हमारे असलाफ नमाज पढ़ा करते थे कि उनकी नमाजों के अंदर इतना खुशू होता और इतनी आजिजी होती कि अल्लाह ताला की बारगाह में खड़े हैं और इसका ख्याल है तो अपने जिस्म को हरकत में मुब्तला नहीं रखते। तो ये अंदाज भी है, देखिए, एक नमाज का कि परिंदे आकर उसको उस जिस्म को दीवार समझना या दीवार की तरफ दीवार समझकर या दीवार से उसको मुशाबहत समझकर उसके ऊपर आकर बैठना, हालांकि आप अच्छे से जानते हैं कि परिंदे आसानी के साथ आकर कोई चीज पे नहीं बैठते जब तक कि वो उस कदर स्टिल ना हो, उस कदर वो रिजिड ना हो कि नमाज में हरकतें उसको दीवार समझकर उस उन अजसाम पे बैठ जाते थे।
परेशान मत होइए। वो फरमाते وكان بعضهم يقول لأهله وأولاده إذا دخلت في الصلاة ففعلوا ما من رفع الأصوات وكثرة اللغط فإني لا أحس بكم فكانوا ربما فرماتے ہیں کہ کیا ہوا کہ ایک مرتبہ جامع مسجد بصرہ میں مسجد تھی بصرہ کی ایک بہت بڑی جامع مسجد تھی وہاں کی ایک دیوار اور اس وقت کی بہت بڑی مسجد اور اس کی دیوار کیا ہوئی اچانک گر گئی تو کیا ہوا کہ مسجد میں اس ٹھیک اس دیوار کے قریب میں ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور جیسے ہی دیوار گری اطراف میں مسجد کے جو بازار تھا سب کے سب پریشان ہو گئے اور بھگدڑ مچ گئی اور سب پریشان ہیں۔ پکارا تھا وہ شخص جو اندر مسجد کے قریب میں وہ دیوار کے قریب میں نماز پڑھ رہا تھا وہ اپنی نماز سے تھوڑا برابر بھی نہیں ہلا اور جب اس نے نماز ختم کی تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا تمہیں کوئی آواز نہیں آئی کہ مسجد کی دیوار گر گئی اور تم جو ہے نا تھوڑا برابر بھی تمہارا جسم حرکت میں نہیں آیا؟ تو کہا کہ میں اپنے آپ کو اتنا نماز کے اندر مشغول اور اپنے آپ کو اتنا انوالو کیا ہوا تھا I was so absorbed into the prayer that I didn't felt what happened surrounding to me. اطراف میں میرے کیا ہوا یہ مجھے اس کی کوئی خبر ہی نہیں ہے کیونکہ میں اس قدر نماز کے اندر متوجہ تھا۔ اور یہ صرف کہنا نہیں تھا، آپ اگر دیکھیں کہ اچانک نماز میں ہوں اور دیوار گر جائے یا ایسا کچھ حادثہ ہو جائے تو کسی کوئی کتنا بھی کوشش کر لے تو چاہ کے یہ ایسی چیز کوئی کر نہیں سکتا، اس کی جسم میں خود بخود طبعی طور پر نیچرل طور پر کچھ نہ کچھ حرکت ہو جاتی ہے۔ لیکن کیونکہ اس نمازی کا پوری توجہ نماز اور نماز میں حضوری میں تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف تھی، تو اس کو کوئی چیز کی کوئی خبر نہیں ہوئی اور اس کو کوئی پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا۔ بعض اسلاف صالح بعض نیک بزرگوں میں کیا ہوا کہ وہ اپنے اولاد اور اپنے گھر والوں سے کہتے تھے کہ جب وہ بہت زیادہ شور شرابہ کرتے تھے تو کہتے کہ تھوڑی دیر اطمینان کر لو، میں نماز شروع کر لوں تب تم کتنا چاہو پکار لینا یا کتنا چاہے آوازیں کرنا ہو کر لینا، تو لیکن پہلے مجھے نماز کے لیے اطمینان تھوڑا سا چاہیے، تو نماز کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ تو جیسے ہی وہ شخص نماز پڑھنے لگ جاتا اذا دخلت فی الصلاۃ، تو جب وہ نماز کے اندر داخل ہو جاتا تو اس کے اطراف میں بہت ساری چیخیں بھی جو ہے نا ماری چیخیں نکالی جاتی، آوازیں زور زور سے نکالی جاتی اور بہت سارا شور شرابہ کیا جاتا، لیکن اس کی نماز میں کوئی اس کو اثر نہیں ہوتا۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ فرمایا کہ فکان ربما یضربون بالدف عنده فلا يشعر به، بعض بعض دفعے اس کو آزمانے کے لیے اس کے کانوں کے پاس میں دف بجایا جاتا تھا لیکن ذرا برابر بھی اس کی نماز کے اندر سے توجہ نہیں ہٹتی تھی۔ تو جب جا کر ان کو یقین ہوا کہ یہ نماز ایسے پڑھتا ہے کہ اس کو کسی باہر کی اطراف کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اطراف میں کیا چل رہا ہے اس کو کوئی اس کی پرواہ نہیں ہوتی، تو ایسے بھی لوگ ہو گزرے ہیں اسلاف کے اندر اور ایسی نمازیں پڑھتے تھے کہ ان کو کوئی آوازیں، تو ہم تو آوازیں نہ ہوں تب ہم ہماری توجہ نہیں ہوتی، اور وہ لوگ ایسے تھے کہ جب نماز پڑھتے تھے کہ اتنا سب ہو جاتا تھا اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ واحترق بيت علي بن الحسين رضي الله عنهما بالنار وهو ساجد فجعلوا يصيحون عليه النار النار يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه فلما فرغ من صلاته قيل له في ذلك فقال
اللهت ألهتني عنها النار الأخرى. الله أكبر. کہ سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ علی بن حسین یعنی علی زین العابدین رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ دوران نماز سجدے میں تھے کہ حضرت سیدنا امام علی زین العابدین کے گھر کو آگ لگ گئی اور آگ کی لپیٹوں میں تھا. لوگ پکار رہے تھے اور لوگ چیخ رہے تھے کہ یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النار النار, آگ لگ گئی ہے آگ لگ گئی ہے, اے رسول اللہ کے بیٹے اے رسول اللہ کے شہزادے آگ لگ گئی ہے آگ لگ گئی ہے, کہہ کر چیخ رہے تھے. لیکن آپ سجدے میں تھے. بہت دیر کے بعد جب آگ کے اوپر قابو پایا گیا تو آپ کو حالت سجدہ میں پانے کے بعد دیکھا کہ یعنی کہ آپ جب نماز میں تھے اور بعد میں نماز ختم ہوئی اطمینان کے ساتھ لوگ اندر داخل ہوئے, کچھ آگ بجھائی بھی جا رہی تھی, اس حالت میں ابھی آگ گھر میں پہنچے کہ دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں. اب نماز کا جیسے ہی اختتام ہوا ان کو باہر لائے, لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کو اتنی آوازیں دے رہے تھے اور یہ آگ لگ گئی تھی کہ آپ کو پتہ نہیں چلا؟ تو کہا کہ میں اس قدر اس آگ سے, آخرت کی آگ نے مجھے اس آگ سے اس قدر بے پرواہ کر رکھا تھا کہ مجھے اس دنیا کی آگ کی طرف کوئی فکر ہی نہیں ہوئی, نہ ہی اس طرف میرا میری توجہ پڑی, کہ آخرت کی آگ نے مجھے پہلے ہی سے اتنا آئی واز سو آکوپائڈ بائی دی فائر آف ہیئر آفٹر سو دیٹ آئی ڈنٹ ایون گاٹ ڈسٹریکٹڈ بیکاز آف دی فائر آف دی ورلڈ. یہ سیدنا امام علی زین العابدین کا فرمان کہ آخرت کی آگ نے اس قدر مجھے اپنی طرف متوجہ کر دیا تھا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے یا دنیا کی آگ نے مجھے اپنی طرف توجہ کے اندر مبتلا نہیں کیا اور اس کی طرف رغبت نہیں ہوئی. وقیل لبعضهم هل تجد في صلاتك ما نجده في وساوس الدنيا من وساوس الدنيا, وقال لان تختلف فجل السنة أحب إلي من ذلك. وقيل لآخر هل تحدث نفسك في الصلاة بشيء, فقال هل شيء أحب إلي من الصلاة حتى أحدث نفسي به فيها. کہ بعض لوگوں نے امام علی زین العابدین سے پوچھا کہ جس طرح ہمیں اپنی نمازوں کے اندر وسوسے آتے ہیں اور نماز میں دنیا کے خیالات آتے ہیں, as we experience the worldly thoughts in our prayers, do you experience the same? تو امام علی زین العابدین نے ارشاد فرمایا, یا بعض اسلاف میں سے بعض لوگ بزرگوں میں سے انہوں نے فرمایا کہ بجائے دنیا کا خیال میری نماز میں آنے سے زیادہ بہتر میں یہ پسند کرتا کہ میں جو برچیاں ہوتی ہیں ان برچیوں کو میرے جسم سے گزار دیا جائے بجائے اس کے کہ میں دنیا کے جو ہے نا خیالات میرے ذہن سے گزرے. I would have loved that the spears would have been pierced into my body rather that I would have been subjected to the worldly thoughts into the prayers. یہ قول ہے کہ بعض نے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا آپ ہماری طرح جیسے ہمیں عادت ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز میں خود سے باتیں کرتے ہیں, کیا آپ بھی اپنی نماز میں خود سے باتیں کرتے ہیں, کیا کبھی ایسا ہوتا ہے؟ تو کہا کہ کاش کہ مجھے نماز سے زیادہ کوئی اور چیز محبوب ہوتی تو میں خود سے بات کرتا یا میں اس چیز کے بارے میں اپنے آپ سے نماز میں ذکر کرتا, لیکن مجھے نماز سے زیادہ بہتر کوئی چیز محسوس نہیں ہوتی, تو اس لیے نماز کے اندر میں کسی سے یا کسی چیز کے تعلق سے نہ سوچتا ہوں نہ خود سے بات کرتا ہوں. کس طرح یہ سب چیزوں کا مطلب یہ ہے کہ کس طرح ہمارے اسلاف کو نمازیں پسند تھیں اور ہمارے بزرگ ہمارے پہلے والے ہم سے پہلے چلے جانے والے ان کا معاملہ نمازوں کے اندر کس طریقے کے ساتھ میں توجہ کا تھا, کس طرح وہ اوبیڈینٹ تھے نماز کے اندر, کس طرح ان کی نمازوں کے اندر جو ہے وہ انوالوڈ ہوتے,
और किस कदर एब्जॉर्ब्ड होते हैं अपनी नमाजों के अंदर, उसकी तरफ इशारा है। वजा السارق فسرق فرس الربيع بن خيثم وهو في الصلاة فجعل الناس يدعون عليه فقال الربيع لقد رأيته حين أطلقه فقالوا لو طلبته فأخذته منهم فقال كانت صلاتي حب إلي من الفرس وهو منه في حل. الله أكبر. یہ اس قدر کی چیزیں ہیں. دیکھیے کہ ربیع بن خیثم ایک بزرگوں میں سے ایک بہت بڑے, تو ان کے پاس کیا ہوا کہ ایک چور نے آ کر آپ کے پاس سے آپ کا گھوڑا جو ہے آپ نے جو باندھا ہوا تھا آپ کے قریب میں, اس کو چرا لیا اور چلے گئے جبکہ ربیع بن خیثم حالت نماز میں تھے. اب جنہوں نے حضرت ربیع بن خیثم کو دیکھا تھا نماز پڑھ رہے تھے اور کسی نے ان کا گھوڑا چرا لیا ہے, تو چرانے والوں نے ان کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ کیا آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں, آپ اس طرف متوجہ نہیں ہوئے کہ آپ کا گھوڑا چرا لیا گیا اور آپ نماز میں تھے. اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے خلاف بہکانے کی کوشش کی کہ دیکھو تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا کیا کہ تم نماز پڑھ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال کی تمہاری جاگیر ہے یا گھوڑا تمہاری ملکیت میں سے ہے, تمہاری چیز کی حفاظت نہیں کی, دیکھو تمہارے ساتھ تو یہ معاملہ ہو گیا. تو ربیع بن خیثم نے کہا کہ میں نے اس کو اسی وقت دیکھ لیا تھا کہ جب وہ میں ابھی نماز شروع کرنے ہی والا تھا کہ وہ گھوڑے کی کو جو جس سے باندھا ہوا تھا گھوڑے کو کھول رہا تھا, تو میں نے اس کو اسی وقت دیکھ لیا تھا, لیکن کیونکہ نماز کا وقت ہو گیا تھا اور نماز مجھے میرے گھوڑے سے زیادہ پسندیدہ ہے, مجھے نماز گھوڑے سے زیادہ محبوب ہے, تو میں نے گھوڑے کو اسی لیے گھوڑے کے کا تعاقب نہیں کیا یا اس چور کا پیچھا نہیں کیا. تو اب جب کہ میرا گھوڑا چوری کر لیا گیا ہے تو کیا کہا کہ وہ تو چوری کر کے نکل گیا, تو کہا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں, اس کے لیے میرا گھوڑا حلال ہے کیونکہ مجھے نماز پسند تھی تو میں گھوڑے کے پیچھے بھاگنا پسند نہیں کیا. آج کل کیا ہوتا ہے کہ ہمیں مال اور تجارت اتنی زیادہ پسندیدہ ہے کہ حضرت ربیع بن خیثم نے ربیع بن خیثم کا گھوڑا حالت نماز میں, ایسا نماز ابھی شروع کرنے والے تھے کہ چور ان کو نماز میں ہے سمجھ کر ابھی چرانے کی ابتدا ہی کر رہا تھا کہ انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور نماز پڑھ لی, اور حالت نماز میں چور نے آپ کا گھوڑا لیا اور چلا بھی گیا تو آپ نے اس کا پیچھا نہیں کیا, اور جب پوچھا تو کہا کہ ٹھیک ہے میں نماز پڑھ رہا تھا. حالت نماز میں اگر کوئی لے کر گیا ہے تو اس کے لیے, ہم اگر کوئی تجارت ہے اپنی, کوئی کاروبار ہے تو کاروبار اتنا محبوب ہے کہ نماز چھوٹی ہے تو پھر بھی پڑھ لیں گے, کیا اللہ معاف کرنے والا ہے, یا تھوڑی دیر سے پڑھ لیں. دکاندار رات میں لگا ہوا رہتا ہے کہ اگر نماز پڑھوں گا تو یہ چلے جائے گا, یا کوئی آئے گا یہ اٹھا لے گا یہ چلا جائے گا, کیونکہ ہمارا ایمان ویسا نہیں آپ سے کہ یہ زیادہ ہی ہمارے پاس میں ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے, بہت زیادہ پرابلم کر رہا ہے, تو
इसलिए बार बार वो होता है कि नौकरी पर हमें जैसा खाना होना खाने की चीज है ब्रेक होता है तो हम उसके लिए निकल कर चले जाते हैं, तो हमें तो उसके लिए तो टाइम मिल जाता है। मुसलमान है कि नमाज के लिए अपना वक्त नहीं निकालना चाहता और नमाज के लिए बहाना है होता है कि मैं नौकरी पे हूँ, नौकरी पे नमाज नहीं पढ़ सकता, जबकि अल्लाह ताला ने हालत मजबूरी में कई इशारों से नमाज पढ़ने को भी हलाल किया, बहुत सारी चीजें अता की गई, लेकिन उसके बावजूद भी इंसान है कि उससे फायदा हासिल नहीं करना चाहता, बस अपने बहानों में रहना चाहता है। इसी तरह याद आता है कि हजरत सईदना उवैस अल-क़रनी रज़ी अल्लाहु अन्हु के ताल्लुक से रिवायात में आया है कि आप एक मरतबा नमाज पढ़ रहे थे कि कुछ अहबाब आपसे मुलाकात के लिए आए, और क्या देखा कि लोग मुलाकात के लिए जो आए हैं उन्होंने क्या देखा कि हजरत उवैस अल-क़रनी रज़ी अल्लाहु अन्हु की चंद बकरियां हैं जिसकी हिफाजत के लिए एक भेड़िया जो है ना उनकी हिफाजत के लिए खड़ा हुआ है। हजरत क्योंकि सबको पता था कि उवैस अल-क़रनी के पास भेड़िया नहीं बल्कि चंद बकरियां हैं, भेड़िया उन्होंने कभी पाला नहीं था, तो जिनको मालूम था वो उन्होंने ये मंजर देखा तो परेशान हो गए। जैसे ही सईदना उवैस अल-क़रनी ने नमाज खत्म की तो उनसे पूछा कि हजरत ये क्या मामला है कि हम क्या देखते हैं कि भेड़िया और बकरियों की हिफाजत कर रहा है जबकि भेड़िया तो बकरियों को खा जाता है। सो व्हाट आर वी सीइंग दिस This kind of situations, what are we seeing? What are we witnessing this? How can this be possible? तो हजरत उवैस अल-क़रनी ने कहा कि मैं अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल था, मैं उसके काम में मसरूफ था, तो बकरियां चराना जो मेरा काम था और बकरियों की हिफाजत करना जो मेरा काम था वो उसने अपनी मखलूक को मेरी मेरे काम में लगा दिया, मैं क्योंकि उसके काम में था उसने उसकी दूसरी मखलूक को मेरी मेरे काम पे लगा दिया, यानी कि बकरियों की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने भेड़िया को भेज दिया, तो लिहाजा इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं। तो जब नमाज ऐसी हो और उसके अंदर इतनी प्योरिटी हो, इतनी सिंसियरिटी हो, इतनी ओबीडियंस हो, इतनी सबमिसिवनेस हो, इतनी हम्बलनेस हो और इतनी तवज्जो हो अल्लाह ताला की बारगाह में, इतना इतनी वफादारी हो, इतना हुजूरी दिल हो, इतना इतना अपने आप को अल्लाह ताला की बारगाह में मुतवज्जे रखें और अल्लाह ताला की बारगाह में इतने सच्चे और सुथरे बनकर खड़े हो जाएं, तो क्या होता है कि जिस काम के लिए आप खड़े हुए हैं तो अल्लाह ताला क्या देखता है, बंदा मेरी इबादत में लगा है, बंदे के कामों के लिए हम दूसरी मखलूक को लगा देते हैं, ऐसा भी होता है। अगर ईमान वैसा हो तो बराबर होता है। वसल्ला बाद अस्हाबी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हाइति नखल लहू फजअल तत्तीरा तत्तीरु मिन शजरतिन इला शजरतिन वजअल यंदुरु इलैहा فألهاه ذلك عن شيء من صلاته فلما عرف ذلك من نفسه شق عليه فجعل ذلك الحائط كله في سبيل الله لما ألهاه عن صلاته کہ صحابہ میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کوئی ایک صحابی ہیں کہ جو حالت نماز میں تھے نماز پڑھ رہے تھے اور وہ اپنے باغیچے میں नमाज पढ़ रहे थे कि उनको क्या हुआ कि परिंदों की आवाज जो है चहचहाने की परिंदों की आवाज से उनकी तवज्जो नमाज से हट गई, और यानी थोड़ी थोड़ी सी तवज्जो परिंदों की चहचहाट में और जिस तरह से परिंदे एक शजर से दूसरे शजर पर जा रहे थे तो वो दरख्त की टहनियों की आवाजें वगैरह ये सब चीजों ने क्या किया था कि उनके जहन को थोड़ी थोड़ी देर के लिए तवज्जो नमाज के अंदर से तवज्जो को हटा दिया था। जब उन्होंने ये चीज को महसूस किया कि उनकी तवज्जो नमाज से हट गई तो उनको बहुत बुरा दिखा, उनको बहुत गम हुआ इस बात का कि इनकी आवाजों ने मेरी मेरी नमाज के अंदर से ख्याल को अल्लाह ताला से हटाकर दूसरी चीज की तरफ लगा दिया था, तो इतनी तकलीफ हुई कि बाद में उन्होंने क्या किया, वो अपना सारा का सारा बागीचा लिया और अल्लाह की राह में
उसको जो है ना चैरिटी में दे दिया, अल्लाह वो सारा का सारा अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया। और उसके बाद से उन्होंने कभी उस बागीचे में नमाज नहीं पढ़ी, क्योंकि इस बागीचे में मेरी फला नमाज में ये नुकसान पहुंचा था। तो ये हाल था सहाबा का, ये हाल था हुजूर के जानिसारों का के और पहले के लोगों का कि उनकी नमाजें ऐसी हुआ करती थी। सैयदना इमाम अल हद्दाद फरमाते हैं قلت وهذا كله لمعرفة السلف الصالح رضي الله عنهم بجلالة قدر الصلاة وعظم موقعها من الدين। ये सब चीजें, ये जो कुछ भी आपने ये हवादिस सुने हैं, ये जो कुछ भी इंसिडेंट्स आपके सामने रखे गए, ये सब दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द वर्चुअस एंसेस्टर्स। ये हमारे नेक और सालिह पाकबाज अकाबिरीन असलाफ का नतीजा है, बिकॉज दे वर सो वर्चुअस दैट अल्लाह ताला उनसे राजी था, और उनको ये पता था कि अल्लाह को राजी कैसे किया जाए, और उनको ये अहमियत थी कि कितनी नमाज कितनी ज़रूरी है और कितनी अहम है और उसकी क्या फजीलत है और दीन के अंदर उसकी कितनी कितनी आज़मत है, उसका पता था उनको। तो लिहाजा इसलिए वो नमाज को इस कदर तरजीह देते थे, they would prefer the prayers so much that they would sacrifice everything, but they would not tolerate any disturbance or distractions within the prayer. قد بلغنا أن الله تعالى قسم أعمال الصلاة على 40,000 صف من الملائكة في كل صف 70,000 عشرات منها قيام لا يركعون عشرات منها ركوع لا يسجدون عشرات سجود لا يرفعون عشرات قعود لا يقومون وجمع جميع ذلك لعبده المؤمن في ركعتين يصليهما فانظر عظم منته وفضله على عباده المؤمنين وقد قال عليه الصلاة والسلام مثل الصلوات الخمس مثل نهر غمر على باب أحدكم يقتحمه في كل يوم وليلة خمس مرات أفترون ذلك يبقي عليه من درنه شيئا قالوا لا وقال عليه الصلاة والسلام الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. يا ربي کہ یہاں پہ فرمایا کہ ہم کو یہ باتیں پہنچی ہیں, یہ روایات پہنچی ہیں. سیدنا امام الحداد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک نماز کے کو چند حصوں میں تقسیم کیا ہے, یعنی کہ ایک نماز کو 40,000 مرتبوں کے اندر اور 40,000 مراتب فرشتوں کے مراتب 40,000 فی کل صف 70,000 40,000 صف من الملائکہ فرشتوں کی 40,000 صفوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز کے اعمال کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ has divided the prayer into 40,000 ranks of angels, اور ہر مقام اور ہر ایک مرتبہ کیا ہے, فی کل سبعین, ہر ایک مقام میں اور ہر ایک مرتبے میں 70,000 فرشتے ہیں, اور کیا ہے کہ ستر ہزار فرشتے, ہر صف میں 70,000 فرشتے ہیں, اور ہر صف اللہ تعالیٰ نے نماز کو کے چار حصے کر کے چار حصوں کے اندر فرشتوں کے چار حصے کر دیے, یعنی 40,000 صفوف بنا دیے, جس میں سے 10,000 صف, اور ہر صف میں کتنے فرشتے ہیں, 70,000 فرشتے ہیں. تو 10,000 صفیں فرشتوں کی کیا کر رہی ہیں کہ قیام میں ہیں اور رکو نہیں کرتی, کبھی رکو نہیں کرتی.
दस हजार सफ हैं, 10,000 रोज ऑफ द एंजल्स आर देयर, इन ईच रो देयर आर 70,000 एंजल्स हु आर जस्ट स्टैंडिंग. दे डोंट लाइक, आप नमाज में जैसे खड़े होते हैं बस वैसे खड़े हैं, वो रुकू कभी नहीं करते. ठीक है, 10,000 सफे हैं, हर सफ में 70,000 फरिश्ते हैं, सोचिए कि कितने हैं. तो वो सिर्फ खड़े हैं जैसा कि आप नमाज में खड़े रहते हैं, कभी रुकू नहीं करते. और फिर जो दूसरे 10,000 हैं, 40,000 में से दूसरे जो 10,000 सफे हैं, 40,000 सफे हैं जिसमें से हर सफ में 70,000 फरिश्ते हैं, तो 10,000 सफे सिर्फ क़याम में लगी हुई हैं, 10,000 सफे रुकू में हैं, कभी सजदा नहीं करती, और 10,000 अगली 10,000 सफे सजदे में हैं, वो कभी सजदे से सर नहीं उठाती, और आखिरी 10,000 सफे कायदे में बैठी हुई हैं, दे आर नीलिंग इन द नीलिंग पोजिशन, जो आप तहियात में बैठते हैं वो पोजिशन में हैं, और कभी खड़ी नहीं होती. ये चार पोजीशन में ही एक बंदा बैठता है. देखिए आप एक रकात में देखिए, सबसे पहली पोजीशन आपकी क्या है, क़याम की है, दूसरी पोजीशन आपकी क्या है, रुकू की है, उसके बाद आप उठते हैं, उसको भी क़याम ही कहते हैं, तो लिहाजा उसको गिना नहीं जाता. तीसरी पोजीशन आपकी जो चेंज होती है वो है सजदा, और चौथी पोजीशन क्या है, आप दोनों सजदों के दरमियान चाहे बैठें या फिर आप दूसरी रकात के आखिर में आप तहियात के लिए बैठे हैं, उसको भी कायदा ही कहते हैं. तो ये चार पोजीशंस के अंदर अल्लाह ताला ने अपने 40,000 मरातिब के फरिश्तों को डिवाइड कर दिया, और सब एक एक चीज में लगे हुए हैं, और अल्लाह ताला ने वो तमाम हालतों को एक मोमिन की दो रकात वाली नमाज के अंदर जमा कर दिया, कि वो हर दो रकात जब पढ़ता है तो वो फरिश्ते के जो हर फरिश्ते हर दस हजार सफे फरिश्तों की, जिसमें से हर सफ में 70,000 फरिश्ते हैं, वो एक एक काम में लगे हुए हैं, एक एक हालत में हैं. एक बंदा मोमिन जब नमाज अदा करता है तो दो रकात की नमाज के अंदर वो सारी की सारी हालतें अदा करता है, और वो दो रकात जब वो सही अंदाज के साथ उसकी अजमत को बाकी रखते हुए उस नमाज की सही साथ में पढ़, वो तमाम फजीलतें जो हर 40,000 मरातिब के फरिश्तों तो खैर ये आज शायद चलता ही रहेगा, तो वैसे भी दर्स थोड़ा सा आखिरी इख्तिताम की तरफ है. तो कहा कि तुम तसव्वुर करो कि तुम्हारा एक घर है, घर के सामने बिल्कुल दरवाजे के सामने से एक नदी बह रही हो. ठीक है, और कहा कि सोचो कि तुम उस नदी के अंदर दिन में 5 मरतबा नहाते हो. तो क्या तुम समझते हो कि 5 वक्त तुम उस नदी में नहाने के बाद क्या तुम्हारे जिस्म के ऊपर कोई मैल रह जाएगा? अब आप सोचिए, फ्रॉम द ऑफ योर हाउस एंड यू टेक बाथ 5 times a day इन दैट रिवर, डू यू
think that any of the are gay. हम नहीं समझते कि पांच दिन में पांच वक्त एक नदी में हम पानी नहाएंगे तो जिस्म पे कोई मैल बाकी रह जाएगा तो फिर कितने मर्तबा की है कि जब पांच मर्तबा दिन में रोजाना नदी में नहाने से जिस तरह कोई 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 मैल बाकी नहीं रह जाता वैसे ही पांच वक्त की नमाज पढ़ोगे तो कोई तुम्हारे ऊपर गुनाह बाकी नहीं रहेगा अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम गुनाहों को मिटा देगा अगर तुम पांच वक्त की नमाज पाबंद के साथ पढ़ोगे तो ये जो दरमियानी एक नमाज के से दूसरी नमाज के दरमियान के वक्त में अगर कोई गुनाह उससे खता गलती से हो जाता है तो अल्लाह ताला उसको माफ फरमा देता है तो ये फजीलत है नमाजों की अब जानबूझकर करता है तो फिर ये उसका उसकी खता है गलती से हो जाए तो और अब माफ ही हो जाएगा तो हम अगली नमाज पढ़ लेंगे माफ कर देगा ये कहकर अगर आप नमाज पढ़ते हैं आप ये सोचते हैं और गुनाह करते हैं तो फिर ये गलत हो जाएगा इससे इससे कोई फायदा नहीं وكان ابو بكر الصديق رضي الله عنه اذا حضر وقت الصلاه يقول قوموا الى ناركم التي اوقدتموها فاطفئوها يريد بالنار بالنار الذنوب باطفائها القيام الى الصلاه فانه مكفر للسيئات ومذهب لها سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه کے بارے میں یہ وارد ہوا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب کبھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے جب کبھی نماز کا وقت آ جاتا نماز کا وقت آتا تو آپ یہ کہتے کہ کھڑے ہو جاؤ قوموا الى ناركم التي اوقدتموها فاطفئوها کہ کھڑے ہو جاؤ اور تمہارے اندر جو آگ ہے اس آگ کو باہر نکال کے پھینک دو اور اس کو بجھا دو کہ یہ قول یہ آپ کا فرمان ہوتا تھا اس کو سمجھاتے ہوئے امام الحداد فرماتے ہیں کہ یہاں جو آپ وقت نماز کا وقت آنے پر جو کہتے تھے کہ تمہارے اندر جو آگ ہے اس آگ کو باہر نکال دو اور بجھا دو تو یہاں آگ سے مطلب تمہارے اوپر جو گناہ ہیں جو گناہ کا بوجھ ہے تو اگر تم اس کو باہر نکال کر اس کو بجھا دو بجھاؤ کیسے کہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو تمہارے جو گناہ ہیں گناہوں کی جو آگ ہے وہ بجھ جائے گی یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قول کا مفہوم ہے کہ when you stand for the prayer then it is like you are putting out the fire of the bad deeds within yourself that the fire that is burning your body or it shall burn you in the day of on the day of judgment you are if you, whenever you are standing for the prayer it is like you are expiating that fire within you and you are erasing your bad deeds by standing into the prayer kyunki fa innahu mukaffirun lisayiat kyunki namaz jo hai کیا کرتی ہے کہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور گناہوں کو نہ صرف مٹاتی ہے بلکہ گناہوں کو آپ سے دور بھی کر دیتی ہے قال اللہ تعالی یہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفہا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکرا للذاکرین کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا نماز قائم کرو دن کے دونوں حصوں میں رات میں بھی اور دن میں بھی یعنی کہ طرفی فی النہار صبح بھی شام میں بھی جیسا کہ آپ کرتے ہیں فجر میں بھی پڑھتے ہیں رات کے آخری حصے میں یعنی دن کے آخری حصے میں جیسا کہ مغرب کا وقت ہوتا ہے دن ختم ہونے کو ہوتا ہے آپ جب بھی پڑھتے ہیں اور وزلفا من اللیل اور رات کے حصے میں کون سی نماز پڑھتے ہیں عشاء کی نماز پڑھتے ہیں یا اس سے تہجد بھی مراد لی جا سکتی ہے یہ نمازیں کیا کرتی ہیں آپ ان الحسنات
ये नमाजें पढ़ो कहकर, कायम करो कहकर क्या कह दिया अल्लाह ने आगे, इन्नल हसनात, जब कभी तुम नेकियां करोगे, युज़हिबन सय्यिआत, नेकियां तुम्हारे गुनाहों को दूर भगा देंगी, तुमसे दूर कर देंगी। ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन, यकीनन इस आयत के अंदर समझने वाले के लिए बहुत बेहतरीन नसीहत है। जो नसीहत हासिल करना चाहता है, those who wants to get reminders, those who wants to remember, there is a great reminder in this verse of Holy Quran. That is what the mentioning of Allah subhanahu wa ta'ala is. Dekhiye ke namaz ka kya natija hai aur kya maqam hai. Pehle aapne dekha ke namaz ke andar tawajjuh ke saath mein rehne ka kya phal hai, phir aap dekhte hain ke namaz padhne ka kya aapko phal mil raha hai. وقد ورد ان هذه الايه نزلت في رجل اصاب من امراه ما دون الزنا وجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يساله ان يقيم عليه الحد فلم يرد عليه حتى اقيمت الصلاه فلما فرغ عليه الصلاه والسلام من صلاته استحضره فقرا عليه هذه الايه فقال الرجل هذا لي خاصه ام للناس عامه قال بل هو للناس عامه قلت وفيه دليل على ان الصغائر من السيئات تكفر للصلاه وغيرها من الحسنات والتوبه منها عن الصغائر مع ذلك اتم واحوت وقلت ولا حد على الرجل فيما اصابه من الامراه دون الزنا من القبله واللمس ونحو ذلك لكنه حسب ان عليه في ذلك حدا والله ورسوله اعلم. तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो आयत हमने अभी पढ़ी, वाकिमिस सलात तराफी लैल तराफी नहारी व ज़ुल्फ़ मिन लैल, ये जो आयत नाजिल हुई है कुरान मजीद के अंदर, तो ये इसका शान नुज़ूल एक ये भी आया है कि the purpose of revelation, it is also the purpose of revelation behind this ayah. The evidence is ke ek shakhs Huzur sallallahu alaihi wasallam ki bargah mein aaya aur usne kya kiya tha ke tanhai mein kisi na mahram aurat ke saath mein sagira zina kiya tha. Sagira zina se matlab ye hota hai ke जिसके अंदर हम बिस्तरी रही होती, या तो उसने उसको किसी एतबार से छुआ है या दूसरे तरीके का जो भी ज़िना है कि जिसके अंदर हम बिस्तरी नहीं होती लेकिन दूसरे अज्जा पाए जाते हैं. तो कहा कि वो शख्स उस सगीरा ज़िना के अंदर मुब्तला हो गया था और उसकी सच्चाई ये थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उसको एहसास हुआ और आया, आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तौबा की नियत से आया और उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलल्लाह मुझ पर हद जारी फरमा दीजिए, यानी कि आई वांट टू आई एम रिक्वेस्टिंग ओ प्रॉफिट ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई एम रिक्वेस्टिंग यू द सबमिशन ऑफ माय ओन सेल्फ टू द statutory punishment. के मैं चाहता हूँ कि आप जो कुछ भी शरई हद है मुझ पर, जो शरई सजा है, मुझे अता फरमा दें कि मैंने ये गुनाह कर दिया है. तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कुछ जवाब नहीं दिया, यहाँ तक के वो पूछता रहा और अगली नमाज का वक्त आ गया. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए इमामत के लिए खड़े हुए, वो शख्स भी नमाज के लिए खड़ा हो गया. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ख़त्म फरमाई और नमाज खत्म करने के बाद उस शख्स को मुखातब करते हुए कहा, उस शख्स को खिताब करते हुए ये आयत पढ़ी, ये आयत तिलावत फरमाई, वाकिम सलात तरफ़ई नहारी व ज़ुल्फ़ मिन लैल इन हसनात युज़हिबन सय्यिआत ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन, कि ये आयत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत फरमाई और जब तिलावत फरमाई तो उस शख्स ने कहा कि या रसूल अल्लाह
ठीक है मैंने नमाज कायम कर ली और आप अल्लाह ताला ये हुक्म देता है कि नेकी जो है गुनाहों को माफ़ फरमा देती है, गुनाहों को ख़त्म कर देती है और इसमें बहुत जिक्र हासिल करने वालों के लिए बहुत बड़ी नसीहत है, तो क्या ये आयत खुसूसियत के साथ मेरे लिए नाजिल हुई है या सब के लिए नाजिल की गई है? तो हुजूर ने कहा कि नहीं, ये आयत सब के लिए नाजिल हुई है, इसका हुक्म सब के लिए है। जो कोई गुनाह कर बैठे, सगीरा गुनाह कर बैठे और नेक काम कर ले तो अल्लाह, और तौबा करे, तौबा की नियत भी जैसा कि उस सहाबी के उस शख्स के अंदर गुनाह का जो है ना पशेमानी भी थी, he was aggrieved towards his own deed, कि वो अपने गुनाह का एहसास रखते हुए आया था। तो ऐसी हालत में जब नेकी करेगा तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को बख्श देगा, गुनाहों को माफ फरमा देगा। तो ये आम हुक्म है और के यहाँ पे इस आयत के साथ में और इस हदीस के इस शान नुज़ूल के साथ में क्या बात इसके अंदर शामिल हो रही है कि सैयदना इमाम अल हद्दाद कहते हैं कि मैं ये कहता हूँ कि इसके अंदर दलील है कि सगीरा गुनाह नमाज पढ़ने के जरिए से माफ कर दिए जाते हैं, और हत्ता के सिर्फ नमाज ही नहीं बल्कि जो कोई भी नेक काम किया जाए सगीरा गुनाह नेक कामों के वजह किए जाने की वजह से माफ कर दिए जाते हैं, जबकि उन गुनाहों की नदामत हो, वन शुड बी अशेम्ड ऑफ डूइंग सो एंड सो सिन, जो कोई भी हो, एनी ऑफ द माइनर सिन, व्हेन वन इज अशेम्ड ऑफ हिज सिंस and he comes to the prayer or does any of the good works, then it is upon Allah subhanahu wa ta'ala that we can hope that Allah subhanahu wa ta'ala expiates or erases that minor sins from his book of deeds, inshallah. Lekin Imam al-Haddad kehte hain, lekin un gunahon is wajah se ke Allah gunah ko maaf kar dega और हम नदामत के साथ में आ जाएं, हम सच्ची और सिंसियरिटी के साथ आ जाएं और नमाज पढ़ लें या कोई नेक अमल कर लें तो अल्लाह माफ़ कर देगा, सिर्फ इस नियत से अगर हम गुनाह करेंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। हमारे लिए बेहतर यही है कि हम गुनाहों से बचे रहें, लेकिन फिर भी अगर गुनाह हो जाए तो इंशाल्लाह गलती से हो तो अल्लाह ताला माफ़ कर सकता है इंशाल्लाह। और साथ ही साथ ये भी फरमाया कि इसके अंदर ये भी दलील पाई जाती है इस के अंदर के एक एक शख्स के ऊपर सगीरा जिना की हद बची हुआ हुदालिक, जैसा कि छूना और दूसरे काम जो हम इस तरीके के अलावा उनको सगीर लेकिन उस शख्स ने जिसने ऐसा कर दिया था उसने समझा था कि एक हद लाजिम आएगी शरिया, वो गुनाह आखिरत के दिन काबिल गिरफ्त है लेकिन दुनिया में उसकी सजा नहीं है। जैसा कि जानी को हुक्म है कि बीच बाजार में खड़ा करके उसको पत्थर से मारा जाए, लेकिन ऐसा कोई हुक्म जैसा कि चोरी करने पर हाथ काट दिए जाने का हुक्म है, झूठ बोलने पर जुबान के झूठी कस्में खाने पर जुबान के काट देने का हुक्म है, तो ऐसी चीजों पर ऐसी कोई हद जाहिरी शरीयत में जाहिरी हुक्म नहीं था। हाँ वो जरूर ऐसा गुनाह है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसके ऊपर सख्त गिरफ्त कर सकता है और करेगा, लेकिन अगर उसकी माफ़ी चाही जाए तो मुमकिन है कि अल्लाह ताला माफ़ फरमा दे, और अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानते हैं कि इसका हशर क्या हो। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, जो कुछ कहा पढ़ा सुना अल्लाह ताला उस पर अमल की तौफीक दे, ज़ाहिर व बातिन में अल्लाह ताला हमें नेकी और नमाजों की तरगीब दे, अल्लाह ताला हमको सही अंदाज के साथ नमाज पढ़ने, सही नमाज को उसके हक के साथ अदा करने की तौफीक और सलीका अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें अपनी बारगाह में कबूलियत अता फरमाए। जो कुछ हम सबक
कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला इमाम हद्दाद की खैर बरकत आपके जमी मशायख आबो अजदाद जमी असलाफ सादात सादात इत्बा अलविया की उलूम उनके महारिफ और उनके असरार और बरकत से अल्लाह ताला मुस्तफीज फरमाए। अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सुन्नत का सच्चा वफादार बनाए, सच्ची इत्तबा अता फरमाए, सच्ची इताअत अता फरमाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, हुजूर की अहले बैत की मोहब्बत अता फरमाए, जमी सहाबा का अदब अता फरमाए। हम में से जो कोई बीमार हैं, जिनके अहले खाना बीमार हैं, जैसा कि मौलाना मुश्ताक साहब की वालदा भी बीमार हैं और हमारे रियाज अहमद साहब के भतीजे भी बीमार हैं, अल्लाह ताला और जिन जिन जिनके भी अहबाब बीमार हैं या नहीं हैं, अल्लाह ताला सब की हिफाजत फरमाए, सबसे बीमारियों को वबाओं को दूर फरमा दे। अल्लाह ताला जमीन आफात जमीन आसमान की आफतों को बलाओं को अल्लाह ताला दूर रखे, शर से शैतान के फितनों से महफूज रखे, हर किस्म की नज़र से नापाक नज़र से अल्लाह ताला महफूज रखे और अल्लाह ताला हमें उनके सच्चे सच्चे सुथरे बंदों में से रखे और दीन और शरीयत के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे मशायखीन के बताए हुए रास्तों पर अमल करने, उनकी जिंदगियों पर उनके बताए हुए नहज पर जिंदगी गुजारने की सलीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हज़रत नबी Let's take quick question and answers. If anyone has just within 10 minutes inshallah 10 minute ke andar kisi ke koi sawalat ho to hum usko inshallah lene ke liye taiyar hain, koi ho to aap zarur kar sakte hain। Assalamu alaikum. Processed meat, sausages खा सकते हैं क्या? शियाज और क्रिश्चियन के घर से नॉन वेज फूड आए तो खाना खा सकते हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। प्रोसेस्ड मीट अगर वो प्रोसेस्ड मीट ऐसा है कि जिसमें मशीन का इस्तेमाल होता है, यानी जिसको हलाल करने के लिए कटिंग मशीन्स हैं, बल्कि हाथ से नहीं ज़िबाह किया जाता वो जानवर, एक झटके में जो जानवर ज़िबाह किया जाता है या उसकी प्रोसेसिंग में कोई ऐसी हरकत शामिल है, तो वो अलाउड नहीं है और आप उसको बिल्कुल ख़तई तौर पर नहीं खा सकते, वो कुल्लियतन हराम है। हाँ, अगर जो है ना उसको किसी ज़िबाह करने वाले ने अल्लाह के नाम पर ज़िबाह किया जिसके अंदर कोई दूसरा सोर्स शामिल नहीं है, बल्कि हाथ से ज़िबाह करना चाहिए, चाहे वो मर्द करे या औरत करे, ठीक है, ज़िबाह हो ठीक ठीक अंदाज से और उसका खून पूरा बाहर आ जाए और उसके बाद में उसके गोश्त को निकाला जाए, काटा गया हो और उसके बाद में उसको मशीन से कट किया जाए या कैसे भी कट किया जाए, उसके बाद से मशीन में प्रोसेस किया जाए तो उसमें कोई तकलीफ नहीं है, या उसको स्टोर किया गया तो उसको खाने में कोई मसला नहीं है। लेकिन सिर्फ मसला उसके हलाल करने पर है। हलाल करने का अंदाज़ बाज लोग अल्लाहु अकबर कहकर मशीन के नीचे, अगर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर मशीन के नीचे दे रहे हैं और एक कटर कट कर दे रहा है और झटके से जानवर ज़िबाह हो रहा है, तो वो जानवर हलाल नहीं है, आप हरगिज़ हरगिज़ नहीं खा सकते। और सॉसेजेस तो आपको खाने के लिए कोई मुश्किल नहीं है, इल्ला ये कि आप कोई किसी पर्टिकुलर सॉस के बारे में पूछ रहे हैं जिसके इंग्रेडिएंट्स के अंदर कोई ऐसी चीज़ हो कि जो ममनू है, तो आप वो नहीं खा सकते। शिया और क्रिश्चियंस, देखिए अहले किताब का ज़बीहा हलाल है कुरान की आयत के रूह से, लेकिन पहले के अहले के किताब और आज के अहले किताब में फ़र्क है और आजकल श्योरिटी नहीं है कि क्रिश्चियंस और ज्यूज आजकल के वो पहले वाले सच्चे हैं या नहीं हैं, तो उनके ज़बीहा को खाना मशकूक है और उलमा अक्सर उलमा ने इसको बल्कि
मकरूह तंजीही और बाज ने मकरूह तहरीमी कहा है कि वो हराम के करीब है कि ना खाया जाए। अलगर्ज के हराम नहीं है क्योंकि नस कुरानी नहीं है, ना आयत है, ना हदीस है कहीं पे कि क्रिश्चियंस का या ज्यूस का नहीं खा सकते। लेकिन क्योंकि हिल्लत का हुक्म कुरान मजीद में है कि वो हलाल है, लेकिन आजकल उनके उनका जो भी तरीक़ाकार है उसको देखने से नहीं मालूम होता कि ये लोग अल्लाह के नाम पर ज़िबह कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहले के क्रिश्चियंस और ज्यूस अल्लाह ही के नाम पर ज़िबह करते थे, इसीलिए हलाल था। तो अगर आपको शोर हो किसी ऐसे क्रिश्चियंस को जान के हो जिन्होंने आपके सामने अल्लाह के नाम पर ज़िबह किया हो, तो आप उसको खा सकते हैं, इसके अंदर कोई शुबा नहीं कि आपके लिए वो हलाल है। लेकिन आपको पता नहीं है तो बेहतर ये है कि उनसे परहेज़ करिए। और शिया के बारे में कहेंगे तो शिया अल्लाह के नाम पर अगर ज़िबह कर रहे हैं तो आप खा सकते हैं, क्योंकि हमें उनके ज़बाइह के बारे में नहीं पता है कि वो किस अंदाज से ज़िबह करते हैं। तो आई एम सॉरी आई कांट आंसर यू बिकॉज ऑफ दैट। अगर जब तक कि आप ये ना बताएं कि अगर वो अल्लाह के नाम पर ज़िबह कर रहे हैं, हम एक ही क्लॉज है अल्लाह के नाम पर अगर ज़िबह कर रहे हैं, देयर इज ओनली दिस कंडीशन, इफ दे से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, दे डजंट रिसाइट द नेम ऑफ प्रॉफिट nor anyone of the Ahlul Bayt ke bismillah ala ismi Ali, bismillah ala ismi Fatima wa kadha alaihimus salam, agar unka naam ya kisi ya nabi ke naam ke zariye se naudhu billah astaghfirullah, agar is andaaz se ziba nahi kar rahe aur Allah bismillah Allahu Akbar hi kehte hain to phir wo ziba halal hai, you can eat. Aur ha, आप उनके घर का खाना खा सकते हैं नॉन वेज, जबकि आपको पता हो कि वो हलाल है, या किसी हलाल जगह से खरीद कर लाए हैं, बनाया क्रिश्चियंस ने है, शियाज ने है, तो यू कैन ईट, देयर इज नथिंग बैड इन दैट। हाँ, अगर वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन तो आप बिल्कुल ही खा सकते हैं। नॉन वेज अगर किसी मुसलमान के पास से, मुसलमान ज़िबह करने वाले के पास से, सही उल अकीदा के पास से काट कर बना कर लाए हैं, तो यानी कटवा कर लाए हैं, घर पकाया घर में है, तो आप खा सकते हैं, इसके अंदर भी कोई हुर्मत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वल्लाहु आलम बिसवाब। हम समझते हैं कि आपका इत्मीनान बख्श जवाब हो गया होगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या ईशा की जमात छूट गई है तो क्या इमाम साहब के साथ वितर की जमात साथ में पढ़ना चाहिए या अलहदा पढ़ना चाहिए या नहीं? जज़ाकअल्लाह खैर। पढ़ सकते हैं आप, देखिए हालांकि फ़र्ज नमाज आपकी जमात के साथ कदा हुई है, तो अगर उलमाए अहनाफ में से कोई मोतबर, जैसा कि हमारे मरहूम मुफ्ती आज़िमुद्दीन साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान, अगर वो फरमाते थे कि नहीं पढ़ सकते तो फिर आपके ऊपर लाजिम है कि नहीं पढ़ें, वरना तो अगर आप हमारा ओपिनियन लेना चाहते हैं तो हमारे एतबार से तो वैसी वितर की को जमात के साथ आप पढ़ सकते हैं जबकि आपने इशा पढ़ ली हो, इशा आपकी हो गई हो। अगर इशा नहीं हुई थी तो आप जमात के साथ वितर नहीं पढ़ सकते। हाँ, लेकिन आप इशा आपकी मिस हो गई थी जमात के साथ, लेकिन आप आए, इशा मेकअप कर ली, उसके बाद की नमाजें तरावी वगैरह में आपने बराबर इमाम के साथ में बाद में आके शामिल हो गए, आगे पीछे जितना भी हुआ लेकिन बाद में आप आके शामिल हो गए, और या तरावी पूरी ख़त्म इमाम की भी हो गई, आपकी भी हो गई, लेकिन इमाम अब वितर के लिए खड़े हैं, आप उनके पीछे वितर जमात के साथ पढ़ सकते हैं, इसमें कोई मुतायका नहीं है। और हमने मुफ्ती साहब का ऐसा कोई कौल तो सुना नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर कोई मोतबर मुफ्ती साहब ये कहें तो आप उनका भी फॉलो कर सकते हैं, और आप हम भी नुसूस कुतुबे फिक्ह की रोशनी में कहते हैं कि वितर की जमात के साथ आप पढ़ सकते हैं, कोई इसके अंदर मुज़ाक़ा नहीं है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अगर कोई और सवाल हो तो आप हज़रात कर सकते हैं। कोई सवाल चलिए, बहुत अच्छा है कि कोई सवाल नहीं है। तो इख्तिताम से पहले एक आखिरी बार, परसों जो मसला जिक्र किया गया था, हम उसको फिर से बहुत ही जामे अंदाज में फिर से दोहरा देना चाहते हैं। देखिए,
पर्दे के ताल्लुक से औरत को निकाब लगाने का हुक्म कुरान मजीद के अंदर नहीं है, हालांकि बाज़ मोतबर उलमा ने जलाबी बिहिन से जो है मुराद लिया है कि वो नकाब है, लेकिन लेकिन जमईयत जो होता है, इत्तेफाक जो है होता है, उलमाए मुतकद्दमीन और उलमाए मुतअख्खिरीन का इजमा इस पर है कि उसके अंदर चेहरे का ढकना शामिल नहीं है, बल्कि सर से लेकर पांव तक तमाम आदा का छुपा लेना सिवाय हथेली के और चेहरे के, हथेली और चेहरे और बाज़ उलमा के मुताबिक पैर के पंजे भी जो है ना औरत के लिए सतर में शामिल नहीं है। अब इसको एतबार रखते हुए अगर उस पर अमल किया जाए तो आप इसके ऊपर कभी भी एतराज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कुछ पर्सनल में भी चंद अफराद के मैसेजेस आए थे कि वैसा है, तो फिर सीधा फातिमा ज़हरा की दलील लेते हुए उन्होंने कहा, उम्महातुल मोमिनीन की दलील लेते हुए कहा, तो देखिए वो उम्महातुल उम्मा है, वो उम्मत की माएँ हैं और सीधा फातिमा ज़हरा वो उनका अपना कमाल है। हमने इस बात को स्पेसिफाई किया था कि जिसका पर्दा, जिसको ये ख्वाहिश हो कि वो चेहरे को छुपा ले, हाथों को भी कवर कर ले, पैरों को भी कवर कर ले, ये उनका अपना जाती अमल है, देयर इंडिविजुअल वर्च्यू इज दैट, बट अकॉर्डिंग टू शरिया इट इज नेवर, वी कांट इम्पोज सच थिंग। सईदा आयशा सिद्दीक, सईदा फातिमा ज़हरा का ये जाती अमल था, उन्होंने छुपाए रखा और अपने आप को दायर नहीं किया, नकाब को किसी के सामने ना निकाला, तो ये उनकी जाती नेकी और उनका जाती तकवा के अंदर शी हैड बीन एडेड अपॉन, तो ये उनके मरातिब अलग हैं। शरीयत के लेवल में अगर कोई चेहरे को ना ढाक के तो आप उसको गुनाहगार कहें, तो ये देखिए शरीयत में ना ढाकने वाली और ढांकने वाली दोनों भी एक हैं। तकवा के अंदर फिर उनका लेवल अलग हो जाता है, नेकी के अंदर फिर उनका तकवा अलग होता है, शरीयत की रूह से वो गुनाहगार नहीं है। और हमारी बहुत सारी ऐसी अकाबिर लेडी मास्टर्स हुई हैं इस्लाम की कि जिन्होंने चेहरे को नहीं ढका था, लेकिन वो बहुत बड़ी शख्सियात हुई हैं, बहुत बड़ी मुहदिसात हुई हैं, बहुत ज्यादा फकीहा हुई हैं। तो जिनमें से एक हाल ही का अगर एक रेफरेंस दूं, दलील नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि उलमा का अपना अमल ही खुद एक ऐसा हो जाता है कि वो अपने आप में एक सबूत होता है कि शरीयत का की इजाजत कहाँ तक होती है। तो शेख इब्राहिम निस्से जो नाइजीरिया के बहुत बड़े सूफी और आलिम और बुजुर्ग शख्सियत हुए, उनकी जौजा मुतहरा का भी हाल ही में इंतकाल हुआ, तो वो भी चेहरे को नहीं ढकती थी। और ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, और खुद फकीर की बाज़ जो है लेडी टीचर्स हैं जो पूरा पर्दा करती हैं लेकिन चेहरे को नहीं ढांकती और हाथों को नहीं ढांकती, तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो गुनाह कर रही हैं, क्योंकि वो खुद मुझे पढ़ाती हैं और दूसरे अहबाब को पढ़ाया, बहुत बड़े बड़े उलमा उनसे पढ़े हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने गुनाह किया हो, क्योंकि वो उनके ऊपर गुनाह का इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता, तो लिहाजा शर्त ऐसी कायम करना गलत हो जाएगा। तो ये हम समझते हैं कि वादे है। अब इसके बाद में आप किसी मुस्तनद अहले सुन्नत के आलिम के कौल पर अमल करना चाहें जो ये कहते हैं कि चेहरे को ढांकना भी शर्त है, अगर ना ढांके तो गुनाह होगा, तो आप फॉलो कर सकते हैं, आप उस ओपिनियन को फॉलो करेंगे तो भी आप गलत नहीं होंगे। हाँ, लेकिन बेहतर ये है, देखिए शरीयत का हुक्म कह दिया, अब बेहतर ये है कि चेहरे को छुपाया जाए, अगर नहीं छुपाते हैं तो गुनाहगार भी नहीं होंगे, चेहरे को छुपाना बेहतर अमल है ताकि आपको खुद को नुकसान ना पहुंचे किसी एक औरत के बारे में, बस ये कह सकते हैं। अब इसके आगे हम कोई और बात आगे बढ़ा कर नहीं कह सकते, ला तुहर्रिमू मा अहल्लल्लाह, जिसको अल्लाह ने हलाल किया हो आप उसको हराम नहीं कर सकते। तो नऊज़ु बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अन नकूना मिनल जाहिलीन, या हमारी रिसर्च है और हमने हमारे बड़ों को भी इसी पर फायज दिखा, तो हम इसके अतबार से, यानी बड़ों से मुराद उलमा है, ठीक है, उलमा के, और ये हम जनरलिटी में कहेंगे,
हमारे ذاتی عمل کے تعلق سے آپ پوچھیں گے تو یہ اور بات ہوگی, جنرل ویو اور جنرل رولنگ یہی ہے. ایک آخری سوال ہے جو ہم اس کو لے کر گفتگو کو ختم کر دیں گے. السلام علیکم, I heartily request you to continue these dhurus after Ramadan too and یہ question نہیں ہے بلکہ یہ request ہے. And I'm very thankful to you for your great job. May Allah bless you. آمین, جزاکم اللہ خیرا کثیرا. یہ آپ تمام کا حوصلہ افزائی ہے اور یہ آپ تمام کی طرف سے یہ سپورٹ ہے اور یہ آپ کی اچھائی ہے کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا تو ہمیں یہ چیزیں آگے چلانے کے لیے بھی سہولت ہوئی. رمضان کے بعد ٹھیک ہے, ہم نے اس سے پہلے بھی سوچا تھا کہ ہم اس بارے میں سوچیں گے لیکن سوچنے کا حقیقت میں موقع نہ ملا اس سوچ کے اوپر سوچنے کا. تو انشاءاللہ ہم انشاءاللہ اس بار آپ کو ضرور وعدہ کرتے ہیں کہ whenever you will be having the عید holidays انشاءاللہ, جب کبھی ہمارا رمضان کی حد تک کے جو آخری درس ہوگا تو اس کے بعد میں ہماری ٹیم ہے, ریاض احمد صاحب ہیں وغیرہ وغیرہ, ضیاء الدین صاحب ہیں اور مشتاق احمد صاحب ہیں اور ہمارے ہر دل عزیز حبیب محمد بن عبداللہ رفیع صاحب ہیں, اور جو انشاءاللہ ان سے ہم ڈسکس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگر کچھ ہو سکے تو ویکلی کارس آلسو اوکے ویکلی درس یو مین اوکے سو دیٹ مے بی ٹائپنگ مسٹیک اوکے انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کیونکہ روز تو شاید مشکل ہو جائے گا سب کے لیے بھی, تو انشاءاللہ دیکھیں گے جو بھی ہو اللہ نے جیسا منظور رکھا ویسا. ایک منظور ہمارے ساتھ میں, منظور احمد صاحب ہمارے ساتھ میں موجود بھی ہیں جن کو ہمارے پیر و مرشد منصور پکارتے ہیں. تو سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے پھر بھی لوگ دیکھیے, ابھی پہلے ہم سوالات اب نہیں لے رہے تو کوئی آپ سوال کا اضافہ مت کریے, کل انشاءاللہ پھر آپ کو جب وقت ہوگا جب آپ سوال رکھیے انشاءاللہ. ابھی آ گیا ہے تو اب ہم اس کو نگلیکٹ نہیں کرنا چاہتے. سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے پھر بھی لوگ انزا, اچھا اذان, ٹائپنگ مسٹیک, اذان تک پانی پیتے ہیں, کہتے ہیں کہ ابھی حنفی کی انزا اذان, پھر سے آپ کی مسٹیک ہے ٹھیک ہے, نہیں ہوئی ہے. شوافے کی انزا یا اذان ہے کیا, یہ صحیح ہے؟ استغفر اللہ. دیکھیے یہ بیسیکلی آپ یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ بعض لوگ اذان کے وقت تک پانی پیتے ہیں یا کھاتے ہیں اور حنفی کی اذان نہیں ہو, اذان دیر سے ہوتی ہے اور شوافے کی اذان جلدی ہو جاتی ہے, تو اب اس میں کیا کیا جائے وغیرہ, شاید آپ یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں. تو دیکھیے جو شوافے ہیں ان کو شوافے رولنگز کے حساب سے وقت ہوگا, اور جو حنفی ہیں وہ حنفی اپنے وقت کے حساب سے فالو کریں گے, یہی صحیح ہے ٹھیک ہے. اب رہی بات اذان تک, تو کہیں بھی اذان تک کا وقت نہیں ہے. اس بات اس مسئلے کو ہم پہلے بھی گوشہ گزار کر چکے ہیں کہ اذان تک کھانے کا حکم کہیں بھی نہیں ہے, بلکہ اذان سے پانچ اذان بھی نہیں بلکہ وقت فجر جب کبھی شروع ہوتا ہے, آپ معلوم کریں کہ وقت فجر کا کب شروع ہوتا ہے آپ کے لوکل ایریا میں. تو جو وقت فجر کا شروع ہے, مثال کے طور پر سمجھیے فجر جو ہے 4:30 کو فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے, تو اذان کبھی کبھی ہوتا ہے کہ 4:40 کو دی جاتی ہے یا 4:35 کو دی جاتی ہے. تو اب آپ کہیں کہ فجر کا وقت شروع ہو گیا اور آپ کھا پی رہے ہیں اور یہ کہیں کہ نہیں اذان تک کھا سکتے ہیں, اور دے سے دیٹ دیر از سم آف دی رولنگس لائک دیٹ, تو معاف کرنا, ایسی کوئی رولنگس نہیں ہے, ایسی کوئی رولنگس نہیں ہے بلکہ فجر کی کا وقت جو 4:30 کو شروع ہو رہا ہے اس کے وقت کو شروع ہونے سے پہلے ہی, پانچ منٹ پہلے ہی, یعنی کہ 4:30 کو اگر وقت شروع ہو رہا ہے تو 4:25 آپ کا آخری وقت ہے سحری کرنے کا. چاہے آپ حنفی ہوں تو آپ حنفی اعتبار سے وقت کے ابتدا دیکھیے, آپ شافعی ہوں تو شافعی میں اگر 4:20 کو وقت شروع ہو رہا ہے تو 4:15 ان کے لیے آخری وقت ہے. واللہ اعلم بالصواب. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. See you tomorrow. فی امان اللہ.